पॉपुलर यूट्यूबर एल्विश यादव ने रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 में एंट्री लेकर घर घर में अपना नाम बना लिया है और वो जब से इस शो की ट्रॉफी अपने नाम करके वापस लौटे हैं, लोगों में इनका क्रेज बढ़ता ही दिख रहा है। एल्विश को लोगों का दिल से ढेर सारा प्यार मिल रहा है। हाल ही में यूट्यूबर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनके घर पर मुलाकात की। दिल्ली में एल्विश ने एक सम्मान समारोह रखा था जहाँ सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी शिरकत की। कहा जा रहा है कि इस समारोह में 3 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंच पर आकर एल्विश यादव को सम्मानित किया। स्टेज पर बिग बॉस कंटेस्टेंट प्रिंस नरूला भी मौजूद नजर आए, साथ ही एल्विश के मम्मी पापा भी वहां दिखे। ये समारोह गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हुआ। बता दें कि जब एल्विश बिग बॉस के घर के अंदर थे तो उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने बेबिका धुर्वे के पिता से पूछा था कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उनका इसमें करियर कैसा रहेगा। हालांकि उनसे उन्हें कुछ खास पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था। अब एल्विश ने एक इंटरव्यू में पॉलिटिक्स में जाने की बात पर अपनी राय रखी है। एनआई को दिए हुए इंटरव्यू में एल्विश ने कहा कि मैं बहुत स्पेशल महसूस कर रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से मिल पाया। जब मैं पहली बार उनसे मिला था तभी से मुझे स्पेशल फील हो रहा है। उन्होंने जब मुझे बुलाया और कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है तो मैं उनका इस बात को लेकर बहुत आभारी महसूस कर रहा हूं। एल्विश का कहना था कि वो वहां सिर्फ अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, इसमें कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। इसी के साथ जब पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से जुड़ा सवाल एल्विश से किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी तय नहीं किया है, जब जहां समय लेकर जाएगा मैं चला जाऊंगा, बस मुझे बड़े लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कर रहा हूँ। जब मैं पहली बार सीएम साहब से मिला था तभी से ही मुझे काफ़ी मतलब स्पेशल फील आई कि उन्होंने बुलाया मेरे को कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसका मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। हरियाणा सीएम आज मिलने आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसी बातचीत होगी, क्या कांग्रेचुलेट करने आ रहे हैं, क्या वजह है? वो सिर्फ अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं मुझे, और ये कोई पॉलिटिकल चीज़ों के लिए नहीं आ रहे, सिर्फ आशीर्वाद देने आ रहे हैं। बिग बॉस के आगे अब क्या सफर, क्या पॉलिटिकली आप एक्टिव होंगे या बॉलीवुड में जाएंगे, कुछ ऐसा सोचा है आपने? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, टाइम बताएगा, जैसे टाइम लेके जाएगा मैं उस साइड चले जाऊंगा। बता दें कि एल्विश ने बिग बॉस में इतिहास रचा है। इस पर एल्विश ने कहा, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, 17 साल में कोई वाइल्ड कार्ड नहीं जीता, तो अगर मैं वाइल्ड कार्ड बनकर जीता तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे इतना प्यार मिला, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतना प्यार मिला, अच्छा लग रहा है बहुत। अब एक सवाल आपसे है कि क्या आप एल्विश यादव को पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हुए देखना चाहते हैं या आप ऐसा नहीं चाहते, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विवाद को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।